कहा जाता है परमेश्वरनाथ, बाबा परमेश्वरनाथ मंदिर, ये भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। और ये मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया, ये इस बात को मान्यता है, इसलिए इसी का नाम पड़ा बाबा परमेश्वरनाथ मंदिर। और इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं, ये काफी चीज है। और शादी विवाह के दौरान भी लोग बड़ी संख्या में वहां पर जाते रहते हैं, उस जगह का बहुत ही महत्व है। और आज भी जो सावन का महीना चल रहा है तो यहाँ मंदिर में भारी संख्या में लोग जल चढ़ाने आते हैं। बक्सर के रामरेखा घाट से गंगा जल लेकर भक्त लोग मंदिर में जल चढ़ाने के लिए आते हैं, तो ये परंपरा है यहाँ पर। और मुझे वहां भी जाने का मौका, पहले भी दर्शन करने का मौका मिला है मुझको, पहले हम कई बार गए हुए हैं वहां पर, और वहीं पर जाने के बाद एक एक चीज को देखा है हमने, और उसी से वर्षों पहले की बात मैं कह रहा हूं, तो इसी के लिए सब चीजों के बारे में जानकारी मिली। और उसके बाद जो हम लोग देख ही रहे थे, तो जो सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले हमको तो वहां जाने का तो सौभाग्य मिला ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले भाई सरजू राय जी, हमारे पुराने मित्र हैं, हम लोगों का संबंध आज का नहीं है, हम लोगों का संबंध बहुत पौराणिक है, तो उस समय से 74 से ही हम लोगों का 1974 का ही संबंध है, तो उनसे ही वही, और उसी इलाके में वही बक्सर जिले के रहने वाले हैं, तो उन्होंने ही इस बात की चर्चा की थी कि भाई इतना ये महत्वपूर्ण मंदिर है तो इसके लिए कुछ काम करना चाहिए। हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद एक दिन उनके साथ फिर आ गए आदरणीय जज साहब भी आ गए, जो बक्सर जिले के रहने वाले हैं, और उनका घर तो मंदिर के पास ही है, तो ये दोनों भी एक बार और बात किए, तो हमको ये लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको होना चाहिए। हमने फिर लोगों का, अपने अधिकारियों को कहा और कहा कि विभाग को कहिए कि तेजी से वहां पर काम करा दें, ताकि बहुत अच्छा रहेगा। तो बाद में थोड़ा सा समय लगा, लेकिन फिर विभाग ने इसको पूरे तौर पर इस काम को उठा लिया। अब उसके लिए इसका आज हो गया है शिलान्यास, और इन्होंने दावा किया है कि हम लोग बिल्कुल एक साल के अंदर ये पूरा का पूरा काम हम लोग पूरा कर देंगे, ताकि सब लोगों को सहूलियत हो। मंदिर परिषद में घेराबंदी हेतु चार दीवारी का निर्माण किया जाएगा, और दूसरी बात है कि मंदिर परिषद के पास 5 एकड़ में अवस्थित प्राचीन तालाब है, और उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, सब लोग उसका लाभ लेते हैं, सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और उसके अलावे जो भी लोग आते हैं वहां पर, तो वहां पर आने वालों के लिए सार्वजनिक शौचालय और कपड़े बदलने का कमरा, चेंजिंग रूम आदि का जीर्णोद्धार किया जाएगा। और इसके अलावे मंदिर जाने हेतु स्वागत द्वार का निर्माण इसमें शामिल किया गया, ये सब किया गया है। इसके हो जाने से जो लोग भी आते हैं बाबा परमेश्वरनाथ मंदिर में, सब लोगों को आने में सुविधा होगी, और सब लोगों को इस बात की खुशी होगी। और जो भी जो है, जो कहा जाता है बाबा परमेश्वरनाथ मंदिर के निकट जो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन है, तो ये जो रेलवे स्टेशन हम लोग तो पहले भी देखे ही हैं, तो इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहिए, और ये बात हुई कि इसका नाम बाबा परमेश्वरनाथ रेलवे स्टेशन के रूप में किया जाए, तो हम लोगों की चर्चा हुई, तो हम लोगों ने उसी दिन कहा कि हम लोग बात यहां से करके और यहां से बाजाप्ता राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट केंद्र में भेज देंगे हम लोग, इस डिपार्टमेंट को, उस डिपार्टमेंट को, तो हम उस समय श्रद्धेय अटल जी के समय में हम भी रहे मंत्री, यहां से चला जाएगा तो बताते हैं, ये बड़ी खुशी की बात होगी।